फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या फिर रिटेन, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन आन के बारे में। एक सेंटेंस में आप आन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या किस किस कंडीशन में आप आन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, सीखें कि आन का क्या इस्तेमाल है। आन मींस पर। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो हम पर के लिए आन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि वो सामान सट कर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स में बताया हुआ है, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वे लोग घास पर बैठ रहे हैं। जब कोई घास पर बैठेगा तो लाजमी है कि सट कर होगा। तो फ्रेंड्स, जब हमें कहना हो पर लेकिन वह चीज सट कर हो तो हम आन का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर ग्लासेज ऑन द टेबल, टेबल पर ग्लासेज हैं। लाजमी है कि जब टेबल पर ग्लासेज होंगे तो वो सट कर ही होंगे। ही इज राइटिंग ऑन द पेपर, वह पेपर पर लिख रहा है। लाजमी है कि वह पेपर के ऊपर लिख रहा है जो सटा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि जब आपको कहना हो टेबल पर या जमीन पर, कुर्सी पर, और वो चीज सट कर है तो आप पर के लिए आन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर वो चीज सट कर नहीं है, वो उसके ऊपर है, जैसे मेरे सर के ऊपर छत है, तो फ्रेंड्स इस सूरत में आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एबब का इस्तेमाल करेंगे। ये बात मैंने एबब वाले लेसन में सिखाया। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, आन का एक मीनिंग को भी होता है जिसे टाइम का पता चलता है। जैसे अगर कहना हो संडे को तो आप कहेंगे आन संडे, मंडे को आप कहेंगे आन मंडे। एग्जाम्पल, आई एम फ्री आन संडे, मैं संडे के दिन खाली हूँ या फ्री हूँ। तो फ्रेंड्स, को के लिए हम आन का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सेंस समय से हो, यानी टाइम से हो। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, आन का एक मीनिंग के संबंध में या के बारे में भी होता है। आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, यानी मैं शेक्सपियर के बारे में लिख रहा हूँ। ही स्पोक फॉर एन आवर ऑन दैट सब्जेक्ट, इसका मीनिंग हुआ कि वह उस सब्जेक्ट के बारे में एक घंटा तक बोला। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि के बारे में के लिए मैंने आन का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, मैंने यहाँ लिखा है फा और मैंने बोला फा एन आर, यानी एक घंटे तक। फ्रेंड्स, कई बार लर्नर सोचते हैं कि तक के लिए कभी टिल बोला जाता है और कभी फा, तो कैसे समझे कि तक के लिए टिल बोलना है कि फा बोलना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा जब तक के साथ आने वाला टाइम पॉइंट ऑफ हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो आप टिल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब तक के बाद आने वाला टाइम पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप फा का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ऐसी टाइम जो पॉइंट को बताए तो हम टिल का इस्तेमाल करेंगे। 9 बजे तक टिल 9 o'clock, 5 बजे तक टिल 5 o'clock। लेकिन अगर मुझे कहना हो 10 घंटों तक, मैं कहूंगा फॉर 10 आवर्स, 5 घंटों तक मैं कहूंगा फॉर 5 आवर्स। अगर मुझे कहना हो संडे तक, मैं कहूंगा टिल संडे। लेकिन अगर मुझे कहना हो कुछ दिनों तक, फॉर सम डेज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि तक के लिए कब टिल बोलना है और कब फा बोलना है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कैन यू राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, क्या आप दोस्ती के बारे में या दोस्ती के संबंध में एक एसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि आन का इस्तेमाल हम के संबंध में या के बारे में के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। काम काज के सिलसिले में हम आन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज ऑन टूर, यानी वह टूर पे है। ही इज ऑन बिजनेस, वह बिजनेस पर है। ही इज ऑन हॉलीडे, वह छुट्टी पर है। तो फ्रेंड्स, काम काज के सिलसिले में हम आन का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, लास्ट यूज देखें। आन का एक यूज के किनारे के लिए भी करते हैं। क्लोजर टू अ प्लेस अ टाइम, जैसे देयर वॉज नो हाउस ऑन द मेन रोड। इस सेंटेंस का मीनिंग है मेन रोड के किनारे कोई भी घर नहीं था। देयर वॉज अ टाउन ऑन द कोस्ट, यानी तट पर एक बस्ती थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आन का यूज शानदार तरीके से समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को सीखा तो क्या इस टॉपिक से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं चेक करके देख सकूं कि आपने क्या सीखा। 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।